पिछड़ा वार्ड के वासी आए। देखिए, ये एक नौजवान ने आत्महत्या की, एक जवान कोई लड़का किसी परिवार का गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि संवेदना पूरी तरह से है, लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवा कर दबाव बनाना चाहते हैं, वो कान खोल कर सुन लें कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और जो दमोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की जांच ना हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया फैसला है। मैं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ हूँ, और मैं इसके लिए हर कीमत पर, मेरे कार्यकर्ता हैं यशपाल, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बाकी और भी लोग हैं जिनके नाम उसमें लिखे हैं, फिर तो उसमें मेरा भी नाम है, फिर मुझ पर भी मुकदमा लगना चाहिए। और इसलिए मैं हर कीमत पर उनके साथ हूँ। मैंने कहा था कि बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ही पुलिस ने जो जल्दबाजी की है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। और जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा, मैं दमोह पुलिस की कोई सेवाएं नहीं लूँगा, और आज से ही मैं उन सबको वापस करूँगा। मेरी जो निजी सुरक्षा है, उसके अलावा दमोह पुलिस का कोई भी कर्मचारी मेरे बंगले पर या मेरे साथ नहीं होगा। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29।